बच्चों, मैं नेहा सेन नव भारती परिवार में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग एक की कविता घर के यार, जिसकी रचयिता है भवानी प्रसाद मिश्र जी। घर के यार जो कविता है, इस कविता के जो रचयिता है वो है भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, किस युग के कवि थे, कैसी उनकी रचनाएं थी, क्योंकि ये जानना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न जो है हमारी परीक्षा में आता है। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी जो थे वो प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि थे और गांधीवाद का प्रभाव इन पे बहुत ज्यादा रहा। उस गांधीवाद के प्रभाव के कारण ही इन्होंने असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में बढ़ चढ़ कर अपनी भागीदारी निभाई और उसी भागीदारी के कारण इन्हें 3 वर्ष की जेल हुई और उसी जेल में रहते हुए इन्होंने अपनी रचना घर की याद लिखी थी। तो हम पहले भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में जान लेते हैं, उनका जीवन परिचय, उनका जन्म और उनकी रचनाओं के बारे में जान लेते हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी के बारे में। तो भवानी प्रसाद मिश्र जी गीत फरोश के नाम से प्रसिद्ध भवानी प्रसाद मिश्र का जन्म सन 19 मार्च 1913 को टिगरिया गांव होशंगाबाद में हुआ था, जो कि मध्य प्रदेश में है। शिक्षा, इनकी प्रारंभिक शिक्षा सोहागपुर होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई थी। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ कहाँ हुई थी? सोहागपुर, होशंगाबाद, नरसिंहपुर और जबलपुर में हुई। इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत विषय लेकर बीए पास किया था। ग्रेजुएशन जो की थी इन्होंने वो हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत, तीनों जो हमारी भाषाएं होती है उन लैंग्वेजेस में की थी इन्होंने। भवानी प्रसाद मिश्र ने महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर शिक्षा देने के विचार से एक विद्यालय आरंभ किया, ठीक है। उसी समय 1942 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1949 तक ये जेल में रहे और 1949-1949 में यह एक शिक्षक के रूप में महिला आश्रम वर्धा गए और लगभग 5 वर्ष इन्होंने वर्धा में व्यतीत किए। इनका जो साहित्यिक जीवन था वो कैसा था? भवानी प्रसाद मिश्र की कविता यात्रा, जो इनकी कविता से संबंधित यात्रा शुरू होती है, वो सन 1944 से आरंभ होती है। 1940 में दूसरे सप्तक के साथ में हिंदी के जाने माने कवियों की पंक्ति में स्थापित हो चुके थे। अब यहाँ पर एक शब्द आया है, ये सप्तक, ये क्या था? हमारे हिंदी के बहुत अच्छे आलोचक माने जाते हैं अज्ञेय जी, इनका पूरा नाम था सचिदानंद वात्सायन हीरानंद अज्ञेय, जो आगे नाम लगाया इन्होंने अपने पिता का, दादाजी का लगाया है। तो अज्ञेय जी जो है इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तार सप्तक के नाम से एक पत्रिका या कहें एक रचना प्रकाशित की थी। उस रचना के अंदर तार सप्तक, सप्तक यानी 7 कवियों को लेकर के, वो जो 7 कवि होते थे उन कवियों की रचना वो सप्तक के अंदर प्रकाशित करते थे और उनको बांटते थे, प्रकाशित मतलब उनको प्रचार प्रसार के लिए वो सप्तक उन्होंने काम में लिया था। तो 4 सप्तक उन्होंने निकाले थे। इन 4 सप्तक में से जो दूसरा सप्तक था, उस दूसरे सप्तक के प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? भवानी प्रसाद मिश्र जी माने जाते हैं, ठीक है। जो कि कब स्थापित, कब हुआ था? 1940 में प्रकाशित हुआ था। 1932-33 में इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी के संपर्क में आए। कौन? भवानी प्रसाद मिश्र जी। श्री चतुर्वेदी जी आग्रह पूर्वक कर्मवीर पत्रिका का नाम है, भवानी प्रसाद मिश्र की कविताएं प्रकाशित करते रहे। अंत में अनेक कविताएं इनकी प्रकाशित हुई। तत्पश्चात अज्ञेय जी ने दूसरे सप्तक में इन्हें प्रकाशित किया। दूसरे सप्तक के प्रकाशन के पश्चात नियमित इनका जो प्रकाशन था रचनाओं का, वो नियमित होता गया। आपने चित्रपट सिनेमा के लिए संवाद लिखे, यानी सिनेमा के लिए इन्होंने संवाद भी लिखे थे, डायलॉग्स भी लिखे थे, संवाद निर्देशन भी किया था और मद्रास से मुंबई आकाशवाणी के निर्माता बन गए और आकाशवाणी के अंदर दिल्ली में भी इन्होंने काम किया था। गांधीवादी विचारधारा के इस कवि की आपातकाल में लिखी गई कविताएं त्रिकाल संध्या के नाम से प्रकाशित हुई। भवानी प्रसाद मिश्र जी के ऊपर गांधी जी का बहुत अधिक प्रभाव रहा। गांधीवादी विचारधारा के ये बहुत ज्यादा सहयोगी थे और उन्होंने उनका पालन भी किया था। इन्होंने जो विधाएं लिखी वो कौन कौन सी विधाएं लिखी थी? कविताएं लिखी थी, निबंध लिखे थे, संस्कृत लिखे थे और बाल साहित्य
संग है वो कौन कौन से है? गीत फरोश, चकित है दुख, गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, चकित है दुख, और ये क्या है? गांधी पंचशती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलाले, विकार संध्या, व्यक्तिगत परिवर्तन किए, अनाम तुम आते हो, इदम नमम शरीर, कविता फसले और फूल, मान सरोवर दिन संप्रति, अंधेरी कविताएं, कालजयी, नीली रेखा तक, दूसरा सप्तक, छह अन्य कवियों के साथ इनकी संग्रहित कविताएं हैं। और बाल साहित्य में इन्होंने लिखा था तुक्कों के खेत, संस्मरण इन्होंने लिखा जिन्होंने मुझे रचा, और निबंध लिखा कुछ नीति कुछ राजनीति। आगे बढ़ते हैं, इन्होंने संपादन कार्य किसके क्षेत्र में किया था, किन किन पत्रों का, किन किन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया था? तो उन्होंने संपूर्ण गांधी वाङ्मय, कल्पना साहित्यिक पत्रिका थी इनकी, उनका संपादन कार्य किया था इन्होंने। विचार, ये भी साप्ताहिक पत्रिका थी, साप्ताहिक यानी सप्ताह में एक बार इसका प्रकाशन होता है। आज के लोकप्रिय कवि श्रृंखला में बाल कृष्ण शर्मा नवीन की कविताएं, महात्मा गांधी की जय, श्री मम नारायण अग्रवाल के साथ उन्होंने काम किया था, मृत्युंजय गांधी प्रभाकर के साथ काम किया था, समर्पण और साधना, जानकी देवी बजाज स्मृति ग्रंथ, गगनांचल आदि में इन्होंने संपादन का कार्य किया। इन्हें कौन कौन से सम्मान और कौन कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सन 1972 में इनकी कृति बुनी हुई रस्सी, कौन सी? बुनी हुई रस्सी के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। इसके अतिरिक्त अन्य अनेक पुरस्कारों के साथ साथ आपने भारत सरकार का पद्मश्री अलंकार भी प्राप्त किया था इन्होंने। 1981 और 82 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के संस्थान सम्मान से भी सम्मानित हुए थे, और 1983 में इन्हें मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से भी सम्मानित किया गया, अलंकृत किया गया, और 20 फरवरी 1985 को इनका निधन मध्य प्रदेश में हो गया। ये जाना हमने किसके बारे में? भगवानी प्रसाद मिश्र जी के जीवन परिचय के बारे में, उनकी साहित्यिक रचनाओं के बारे में। अब हम कविता के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। हमारी जो कविता है घर की याद, ये कविता उस समय की है, किस समय की? जब गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित होकर के सन 1942 में जो हमारा असहयोग आंदोलन चल रहा था, भारत छोड़ो आंदोलन जो था, उस भारत छोड़ो आंदोलन में जब इन्होंने कवि ने अपनी सक्रिय भागीदारी दिखाई, तो उस समय अंग्रेजों द्वारा इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 3 के लिए इन्हें जेल में डाल दिया गया। तो जेल में रहते हुए जब ये आजादी का संघर्ष लड़ रहे थे, उसी समय क्या होता है, रात को एक बार बहुत तेज बारिश आ जाती है, सावन का महीना और तेज बारिश होती है, और तेज बारिश के माध्यम से, उन वर्षा की बूंदों के माध्यम से कवि अपने घर पे संदेश भिजवाना चाहता है, वो उस वर्षा के माध्यम से अपने घर पे संदेश देना चाहता है, वो ये कहना चाहता है कि मैं यहाँ खुश हूँ, मेरी चिंता करके आप लोग परेशान ना हो, अपने घर वालों को कह रहा है कि मेरी माँ मेरे पिता को ये संदेश देना कि मैं यहाँ पर बहुत खुश हूँ, मुझे किसी चीज की यहाँ परेशानी नहीं है, उनसे मेरे जो रियल हालात है, जो वास्तविकता है, उसे तुम बयां मत करना। वर्षा को कह रहा है कि हे वर्षा, हे सावन, तुम जाकर के मेरे माता पिता को मेरे खुश होने का संदेश देना, मेरे दुखी होने का संदेश मत देना, यदि तुमने मेरे दुखी होने का संदेश उन्हें दिया तो वो निराश हो जाएंगे, वो उदास हो जाएंगे, और मैं उन्हें निराश और उदास नहीं देख सकता। कवि को अपने घर की याद आ रही है, घर को याद करके व्यथित हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। तो पढ़ते हैं, जानते हैं आगे हम। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन गिरता रहा है। यहाँ कवि की मनोदशा दिखाई दे रही है, इसकी मनोदशा पीड़ा नजर आ रही है यहाँ पंक्तियों में, कि आज पानी गिर रहा है, वर्षा ऋतु का समय है, सावन का समय, और सावन में जो वर्षा बरस रही है, बहुत तेज बारिश रात को हो रही है, और इस तेज बारिश के अंदर कवि कह रहा है कि आज पानी बरस रहा है, आज बहुत वर्षा हो रही है, बहुत ज्यादा ही वर्षा हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है, और पूरी रात हो गई इस वर्षा को बरसते हुए, पूरी रात से पानी बरस रहा है, प्राण मन गिरता रहा है, और ये जो वर्षा है ये मेरे प्राण को दुखी कर रही है, यानी मुझे पीड़ा पहुंचा रही है। अब ये क्यों पीड़ा पहुंचा रही है, देखिए, बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है,
बहुत ज्यादा बरस रहा है और घर नजर में तिर रहा है। नजर में तिरना यानी आंखों के सामने वो दृश्य घूमना। अब यहाँ पर कवि क्या कह रहा है, ये जो पानी गिर रहा है ना, इस पानी के गिरने के साथ ही उसे अपने घर की याद आ रही है, घर की मीठी मीठी यादों में खो गया है, उसकी आंखों के सामने अपना घर घूम रहा है, घर के मुझसे दूर है जो कवि यहाँ जेल में बंद है, अपने घर से दूर है, लेकिन घर से दूर होने के बावजूद भी उसे अपने घर की याद आ रही है, घर खुशी का पूर है जो पूर है यानी भरपूर भरा हुआ, वह घर जो खुशियों से भरा हुआ है उस घर की आज कवि को बहुत याद आ रही है, बहुत स्मृति हो रही है, उसे दुख हो रहा है उसे याद करके। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। अर्थात यहाँ कवि कह रहा है कि वो चार भाई से और है, जो पांचवें नंबर का कवि है, इससे बड़े चार भाई और हैं, घर की घर में चार भाई हैं, घर में चार भाई और भी हैं, मायके में बहन आई, उसकी एक बहन है जो जिसका विवाह हो चुका है और विवाह के पश्चात वो अपने मायके आई है, लेकिन जब वो मायके आई है, बहन आई बाप के घर, जब वो अपने पिता के घर आई है, और भाई रे परिताप के घर, परिताप यानी दुख होना, बहुत ज्यादा पीड़ा होना, वो परिताप कहलाता है। तो वो जब बहन, उसकी शादीशुदा बहन जब ससुराल से अपने पीहर आई है, अपने पिता के घर आई है, और जब उसने अपने भाई को नहीं पाया, वहां चार भाई तो वहां है, लेकिन जब उसने अपने छोटे छोटे भाई को वहां नहीं पाया, तो उसे बहुत ज्यादा पीड़ा हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि वो बहुत दिनों बाद अपने घर आई है, अपने पीहर आई है, और पीहर आकर जब उसने ये सुना कि मेरा भाई जेल में बंद है, तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ। तो यहाँ पर कवि ये ध्यान लगा रहा है, ये सोच रहा है कि ये सावन का महीना चल रहा है, सावन के महीने में मेरी बहन जो है वो मेरे घर आई होगी, और घर आकर के जब उसने मुझे नहीं पाया होगा, तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुई होगी, उसे बहुत ज्यादा पीड़ा हुई होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे कवि कहता है कि घर में घर की घर में सब जुड़े हैं, सबके इतने कब जुड़े हैं, चार भाई चार बहने, भुजा भाई प्यार बहने। अब यहाँ पर कवि ने जो उसके घर में चार भाई और चार बहने हैं, उनका उन्होंने वर्णन किया है कि घर की घर में सब जुड़े हैं, कि घर में सब जने होंगे, चारों भाई चारों बहने होंगी, सब जुड़े हुए होंगे घर में, सबकी इतने कब जुड़े हैं कि वो सारे के सारे हर बार इसी समय पर मिलते हैं, पूरे साल भर में नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि जो बहन है जिसकी शादी हुई है, वो भी सावन के महीने में अपने पीहर आती है, और सबके सब मिलकर के परिवार में खुश होते हैं, खुशियां मनाते हैं। चार भाई चार बहने, चार भाई और चारों बहने, भुजा भाई और प्यार बहने, चार भाई जो है वो वरिष्ठ भुजाओं का प्रतीक है, यानी जहाँ चार भाई होते हैं वहां पर संगठन में शक्ति होती है। आपने कहानी सुनी होगी चार बेटों वाली, जिनमें वो लकड़ियों का गट्ठर तोड़ने के लिए देता है, पर वो उन लकड़ियों के गट्ठर को नहीं तोड़ पाते हैं, तो उन्हें शिक्षा दी जाती है, ये बताया जाता है कि संगठन में ही शक्ति होती है। तो वही चीज यहाँ बताइए कि भुजा भाई चारों भाई क्या है, बलवान भुजाओं का प्रतीक है, साहस का प्रतीक है, और बहने जो है चारों वो प्रेम का प्यार का प्रतीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे है, और माँ बिन पढ़ी मेरी, दुख में वह गढ़ी मेरी, माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर, माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। अब यहाँ पर कवि ने अपनी माँ की मनोदशा का वर्णन किया है, माँ की ममता का वर्णन किया है। कवि क्या कहता है यहाँ, और उसकी माँ जो है वो बिना पढ़ी लिखी है, अनपढ़ है उसकी माँ, उसकी माँ जो है उसको पढ़ना लिखना नहीं आता, दुख में गढ़ी मेरी, मेरे दुख के कारण वो पीड़ित हो रही होगी, मेरे दुख से उसे व्यथा हो रही होगी। माँ की जिसकी गोद में सिर, वह माँ जिसकी गोद में सिर रख करके रख लिया तो दुख नहीं फिर, अगर उसकी गोद में सिर रख करके सो जाओ तो संसार का कोई भी दुख उसे दुखी नहीं कर पाता। आज भी यही स्थिति है, यदि कोई व्यक्ति व्यथित है, परेशान है, बच्चा जो होता है वो अगर दुखी होता है, या उसे कोई मारता है पीटता है, या उसे कोई कुछ कह देता है, तो वो सीधा अपनी माँ के पास आता है, और माँ के पास अगर अपनी सारी शिकायतें करके अपनी समस्या का समाधान हो पा जाता है, तो माँ की गोद जो है, अपनी माँ की ममता जो है, उसका वर्णन यहाँ कवि ने किया है कि माँ जिसकी गोद में सिर रखने के बाद में दुनिया का कोई भी दुख व्यक्ति को नहीं सताता, ऐसी माँ मेरे दुख के कारण व्यथित हो रही होगी, पीड़ित हो रही होगी।
माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, माँ जिसकी ममता का एहसास मुझे यहाँ जेल में बैठे हुए भी हो रहा है, वो माँ मेरे दुख से पीड़ित हो रही होगी। उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता, यदि उसे लिखना आता तो वो मुझे पत्र अवश्य लिखती, लेकिन मेरी माँ को पढ़ना लिखना नहीं आता और इसी कारण वो पत्र भेजने में असमर्थ है। और मैं यही आशा करता कि अगर मेरी माँ पढ़ी लिखी होती तो मुझे पत्र जरूर लिखती और मैं भी उनकी मनोभावना को, मैं भी उनकी मनोदशा को उनके पत्र के माध्यम से, उनके शब्दों के माध्यम से समझ सकता, वो अपनी पीड़ा मुझे बता सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मेरी माँ जो है वो अनपढ़ है, उन्हें पढ़ना लिखना नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं। पिताजी जिनको बुढ़ापा, आप पिता के बारे में यहाँ वर्णन है कि पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, मौत के आगे ना बिचके, शेर के आगे ना बिचके, बोल में बादल गरजता, काम में झंझाल लरजता। अब यहाँ पर कवि ने, इससे पहले वाले पद में कवि ने अपनी माँ का वर्णन किया था, माँ की ममता का वर्णन किया था, अब यहाँ पर अपने पिता का चित्रण कर रहे हैं, पिता की दशा का चित्रण कर रहे हैं कि वह पिता जिनको बुढ़ापा कभी भी नहीं सताया होगा, अब वृद्धावस्था में है पिताजी, लेकिन फिर भी उन्हें बुढ़ापा कभी नहीं सताया, उन्हें कभी भी उनकी दशा से यह नहीं दर्शता है, उनकी दशा से यह नहीं दिखता कि वो बूढ़े हो गए हैं। एक क्षण भी नहीं व्यापा, एक क्षण के लिए भी जिन्हें बुढ़ापे ने परेशान नहीं किया, जो अभी भी दौड़ जाए, जो अभी भी खिलखिलाए, वो अभी भी ऐसे हैं कि वो, उनका आप दौड़ने के लिए कह दो तो वो दौड़ लगाएंगे, वो कोई भी दुख हो, कैसा भी दुख हो, हमेशा मुस्कुराते हुए रहते हैं, खिलखिलाते हुए रहते हैं, मौत के आगे ना इसके, उन्हें मौत से भी डर नहीं लगता, उन्हें मृत्यु से भी डर नहीं लगता, शेर के आगे ना बिचके, उन्हें शेर जैसे खूंखार जानवर से भी डर नहीं लगता, इतने हिम्मत वाले हैं मेरे पिताजी। बोल में बादल गरजता, और उनके बोलने में जैसे बादल गरजते हैं ऐसी ध्वनि होती है, इतनी बुलंद उनकी आवाज, इतना बुलंद उनका स्वर है, काम में झंझाल रहता, और किसी भी कार्य को करने से वो नहीं हिचकते, उन्हें आप जो कार्य देंगे वो कार्य करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, ऐसे है कवि के पिताजी। कैसे है कि उनको बुढ़ापा आ गया, लेकिन उनकी दशा से, उनकी स्थिति से कभी भी यह नहीं, एक क्षण के लिए भी नहीं लगता कि वो बूढ़े हो गए हैं। अभी भी अगर उनसे आप दौड़ लगाने के लिए कहेंगे तो वो दौड़ लगा सकते हैं, वो हमेशा जीवन में कैसी भी स्थिति हो हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, और मौत के आगे जो मौत आ जाए ना सामने एक बार, तो भी वो उससे नहीं डरेंगे, तो भी वो हिचकिचाएंगे नहीं, शेर आ जाए तो भी वो उससे डर के नहीं भागेंगे, उसका डटकर सामना करेंगे, और उनके बोल में बादल गरजता, उनकी जो ध्वनि, उनकी जो आवाज है वो एकदम बुलंद है, बहुत अच्छी आवाज है उनकी, और वो किसी भी कार्य को करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, किसी काम को करने से वो जी नहीं चुराते हैं। आगे है, आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुगदर मिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर, जब की नीचे आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है। अब कवि यहाँ वर्णन कर रहा है, वो सोच रहा है, वो ये ध्यान लगा रहा है, ये याद कर रहा है कि अब जो समय है, इस समय पिताजी गीता का पाठ सदैव करते हैं, और वो गीता पाठ करके जब वो नीचे आए होंगे, जब वो गीता पाठ करके नीचे आए होंगे, दंड 260 करके, 260 दंड बैठक लगा करके, खूब मुगदर हिलाकर और मूठ उनकी मिलाकर, वो खूब मुगदर व्यायाम होता है, कसरत होती है, वो अपनी जीवन की जो निरंतर कार्यशैली है, प्रतिदिन की जो कार्यशैली है उसको करके, गीता का पाठ करके, दंड बैठक लगा करके, मुगदर मिला करके, मूठ मिला करके, जब वो नीचे आए होंगे, नैन जल में छाए होंगे, उनकी आंखों में आंसू हुए होंगे, क्यों? हाय पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, कि उनकी आंखों में आंसू होंगे, क्यों? क्योंकि जब उन्होंने नीचे आके अपने बेटे को नहीं पाया होगा, तो उनकी आंखें, उनकी जो नेत्र है वो जल से छलछला गए होंगे, उनकी आंखों में मेरी याद के कारण आंसू आ गए होंगे, यहाँ ये कवि बता रहा है। हाय पानी गिर रहा है कि हाँ, इतनी तेज वर्षा हो रही है, और मेरा घर जो है वो मेरी आंखों के सामने तैर रहा है, उसकी स्मृति मेरी आंखों में छाई हुई है। आगे बढ़ते हैं। चार भाई चार महीने, भुजा भाई प्यार बहने, खेलते या खड़े होंगे, नजर उनको
पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवे का नाम लेकर। अब यहाँ पर जो कवि है वो पांचवे नंबर का बेटा है, यहाँ जो उनके पिता है मतलब जो कवि है उनसे चार बड़े भाई और है, वो खुद पांचवे नंबर के सबसे छोटे हैं। तो यहाँ कह रहा है कि चार भाई चार बहने, कि चारों भाई और चारों बहने जो है वो मिले हुए होंगे, वो वहां खड़े होंगे। भुजा भाई और प्यार बहने जो चारों भाई है वो बलिष्ठ भुजाओं का प्रतीक है, और चारों बहने जो है वो प्रेम का प्रतीक है, प्यार का प्रतीक है। वो कोई खेल रहा होगा, कोई खड़ा होगा, नजर उनको पड़े होंगे जब उनको, मतलब आपस में वो बातचीत कर रहे होंगे, खेल रहे होंगे, कूद रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे, एक दूसरे के साथ में वार्तालाप कर रहे होंगे, जब उनके ऊपर उनकी नजर पड़ी होगी। क्योंकि जब उनके पिताजी की नजर उन चारों भाई बहनों पर पड़ी होगी, चारों भाइयों और चारों बहनों पर पड़ी होगी, पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, वो पिताजी जिनको बुढ़ापे ने एक पल के लिए भी परेशान नहीं किया, पीड़ित नहीं किया, व्यथित नहीं किया, वो पिताजी रो पड़े होंगे बराबर पांचवे को याद करके। यानी वो पिताजी जिन्हें एक पल के लिए भी बुढ़ापे ने परेशान नहीं किया, उनकी अवस्था ने परेशान नहीं किया, वो पिताजी रो पड़े होंगे पांचवे का नाम लेकर के। पांचवा कौन? यहाँ कवि। तो पांचवे नंबर के बेटे यानी कवि को याद करके उनकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, वो रो पड़े होंगे, ये कवि यहाँ बता रहा है। ऐसा होता ही है जब घर में पूरा परिवार एकत्रित हुआ होता है, उनमें कोई एक या दो जना नहीं आता, उपस्थित नहीं हो पाता किसी कारणवश, तो उसको याद करके तो मन व्यथित होता ही है। आगे कवि कहता है, पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। अब कवि कह रहा है यहाँ पांचवे नंबर का जो आया था कि पांचवे को याद करके वो रो पड़े होंगे, तो वो पांचवा मैं ही हूँ अभागा, कि वो पांचवे नंबर का अभागा मैं ही हूँ, जिसे सोने पर सुहागा, जिसे जो पिताजी है कवि के वो सोने पर सुहागा कहा करते थे, पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं, यानी उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिला है सबसे छोटे होने के कारण। आज के घर में ये होता है, या तो सबसे बड़ा बच्चा होता है उसे बहुत प्रेम किया जाता है, और या सबसे छोटा बच्चा जो होता है उसे बहुत ज्यादा प्यार किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कवि सबसे छोटे हैं और सबसे छोटा होने के कारण कवि के जो पिता है वो उन्हें सोने पर सुहागा कहा करते थे, और उन्हें बहुत ज्यादा प्रेम वो किया करते थे। आगे बढ़ते हैं, आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेटे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अब कवि यहाँ वर्णन कर रहा है कि उनके जो बाकी के चार बेटे हैं, जो उनके सोने जैसे बेटे हैं, स्वर्ण जैसे बेटे हैं, वो बेटे उन्हें चारों ओर से घिरे हुए होंगे, उन्हें बातें कर रहे होंगे, उन्हें प्रेम कर रहे होंगे, लेकिन क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा, और उन चार बेटों के सोने जैसे बेटों के होने के बावजूद भी उन सोनों पर सुहागा जो मैं पांचवे नंबर का बेटा हूँ वो तो यहाँ बंधा बैठा हूँ, इसलिए उसने अपने आप को अभागा बताया है कि मुझ अभागे के कारण, मुझ जैसे बेटे के कारण आज मेरे पिताजी दुखी होंगे, क्योंकि वो चार बेटों के होने के बावजूद भी मैं जो पांचवे नंबर का उनका लाडला बेटा हूँ उसके कारण उन्हें दुखी होना पड़ रहा है, उन्हें पीड़ा का भोगी होना पड़ रहा है। आगे है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना सहा बहा होगा, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक नहीं है। अब यहाँ पर कवि की जो माँ है वो ये सोच रहा है, ये महसूस कर रहा है, मतलब उसे थोड़ा थोड़ा ये लग रहा है, वो फील कर रहा है इस चीज को कि जब पिताजी दुखी होंगे तो मेरी माँ ने उन्हें समझाया होगा कि, और माँ ने कहा होगा कि, माँ ने जब समझाया होगा तो दुख कितना बढ़ा होगा, जब माँ ने समझाया होगा उन्हें किसे, कवि के पिता को, तब उनकी स्थिति क्या होगी, कितना दुख उन्हें हुआ होगा, कितनी पीड़ा उन्हें हुई होगी, आंख में किस लिए पानी, वहां अच्छा है भवानी, कि आपकी आंखों में पानी क्यों है, आपकी आंखों में आंसू क्यों है। कवि की माँ कवि के पिता को समझा रही है कि आपकी आंखों में आंसू अच्छे नहीं लग रहे हैं, वह भवानी जो है, भवानी यानी कवि के लिए है कि भवानी वहाँ अच्छा है, सकुशल है, आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपकी आंखों में पानी आना अच्छा नहीं है, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर, वह तुम्हारे मन की बात जानता था,
कवि की माँ जो है वो कवि के पापा से कह रहे हैं, कवि के पिताजी से कह रही है कि तुम्हारे मन में जो था वो भली भांति भवानी जानता है और वही जानकर अपनापन समझ करके गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक है कि वो तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रहा है। आप ही चाहते थे कि हमारा बेटा देश के लिए कुछ करे, तो वो वही कार्य कर रहा है और सिर्फ देश के लिए वो आज जेल में बंद है। तो आपको वो आप ही के नक्शे कदम पर, आप ही के कदमों पर, पद चिन्हों पर वो चल रहा है, तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं, आपको खुश होना चाहिए कि आपका बेटा आपका नाम रोशन कर रहा है। पांव जो पीछे हटाता कोख को मेरी लगाता, इस तरह हो ना कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अब यहाँ पर जो कवि की माँ है वो अब कवि के पिता को समझा रही है कि यदि जो भवानी है, भवानी यानी कवि का कवि, जो भवानी जो है अगर पैर पीछे हटा लेता तो मेरी कोख को लजाता, मेरे दूध को लजाता, मुझे शर्म का सामना करना पड़ता, मुझे लज्जित होना पड़ता यदि भवानी अपने पैर पीछे हटा लेता। इस तरह हो ना कच्चे, कि तुम इस तरह अपने मन को कच्चा मत करो, इतना दुखी मत हो, रो पड़ेंगे और बच्चे, कि तुम्हें रोता हुआ देख करके और बच्चे भी रो पड़ेंगे, उनका भी मनोबल टूट जाएगा, क्योंकि जब घर का मुखिया इस तरह से इस प्रकार से दुखी होगा, पीड़ित होगा, तो और लोगों को भी पीड़ा पहुंचना सामान्य सी बात है। तो यहाँ पर कवि की माँ समझा रही है कवि के पिता को कि आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, कवि जो है वो भवानी जो है वो आपके ही बताए पद चिन्हों पर चल रहा है और आप भी तो यही चाहते थे कि वो देश के लिए कुछ करे, तो भवानी वही कार्य कर रहा है, आपको उसके लिए व्यथित होने की आवश्यकता नहीं है, वो सकुशल है। और यदि आप दुखी होंगे, आपकी आंखों में आंसू आएंगे, तो जो और बच्चे हैं परिवार में वो भी आपकी दशा को देख करके रो पड़ेंगे। पिताजी ने कहा होगा, हाय कितना सहा होगा, कहां मैं रोता कहां हूं, धीर में खोता कहां हूं। अम्मा की जब ऐसी बातें सुनी होगी पिताजी ने, तो पिताजी ने कहा होगा, पिताजी ने ये कहा होगा, क्या कहा होगा, और कितना उनको दुख हुआ होगा, कितना उन्होंने सहा होगा, कितनी उन्होंने पीड़ा पाई होगी, कहां मैं रोता कहां। उन्होंने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कवि की मां से कहा कि कहां मैं क्या रोता हूं, मैं तो नहीं रो रहा, धीर में खोता कहा हूं कि मैंने अपना धैर्य नहीं खोया है, कि मैं दुखी नहीं हूं, मैं तो खुश हूं कि मेरे बेटे ने मेरे लिए देश के लिए कुछ किया है। तो यहाँ पर कवि का जो पिता है वो अपने दुख को छुपा रहा है, अपनी पीड़ा को छुपा रहा है, ताकि परिवार के जो लोग हैं वो दुखी ना हो, उनके दुख को देख करके संबल बढ़ा रहे हो क्या, कि नहीं मैं रोता नहीं हूँ, मैं कहाँ रो रहा हूँ, अपने आंसुओं को छुपाते हैं वो, और आंसुओं को छुपा के बोलते हैं कि मैं अपना धैर्य नहीं खो रहा हूँ, मैं अभी मजबूत हूँ। आगे है, हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पांच वे को वे न तरसे। अब कवि यहाँ क्या कह रहा है कि हे सावन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे सजीले सावन, हे हरे भरे सावन, हे पेड़ों को हरे भरे करने वाले सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, कि हे मेरे पुण्य पावन सावन, तुम तो बरस लो लेकिन वे नहीं बरसने चाहिए। वे कौन है यहाँ, कवि के परिवार जन की वो कह रहा है, कवि कह रहा है कि हे सावन तुम्हें जितना बरसना हो बरस लो, तुम्हें जितना पानी बरसाना हो, जितना पानी वर्षा होनी है हो लो, लेकिन मेरी जो संदेश है वो देकर के वहां मेरी जो निराशा है या मेरा जो यहाँ दुख है उसको वहां मत बताना, यदि तुमने वहां बता दिया तो वो भी बरसने लग जाएंगे। तुम जितना चाहो उतना पानी बरसा लो, जितनी चाहे वर्षा हो लो, लेकिन मेरे परिवार के लोग नहीं बरसने चाहिए, बरसना यानी उनकी आंखों में आंसू नहीं आना चाहिए। पांच वे को वे ना तरसे, कि मुझ पांचवे बेटे को याद वो ना करे, मेरे को याद करके उनकी आंखों में आंसू ना आए, कभी ये कहना चाह रहा है। आगे है, मैं मजे में हूँ, सही हूँ, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब नीरस है। अब यहाँ पर कवि कह रहा है, क्या कह रहा है कवि, यहाँ कवि यह वर्णन कर रहा है कि उनको उनको कि मेरे परिवार वालों को यह संदेश
एकदम, किंतु यह बस बड़ा बस है, लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात तो यही है कि मैं घर से दूर हूँ और घर की याद मुझे सता रही है। इसी बस से जो सब नीरस है और इसी के कारण ये जहाँ पर जितना नीरस है वो सारा नीरस हो गया है। किसी प्रकार का आनंद यहाँ नहीं आ पाता है। क्यों? क्योंकि जो आनंद घर में रहने पर आता है वो आनंद कहीं और रहने पर नहीं आता है। कहते हैं ना, अपना घर तो अपना ही होता है। आगे बढ़ते हैं। किंतु उनसे यह ना कहना, सावन को संबोधित कर रहा है कि हे सावन, किंतु उनसे यह ना कहना, उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। अब यहाँ पर कवि कह रहा है कि मैं मजे में हूँ, मैं व्यस्त हूँ, इस प्रकार का संदेश तुम वहां देना, मेरे दुखी होने का, मेरे निराश होने का संदेश तुम मेरे माता पिता को मेरे घर पर मत देना। उनसे कहना, उनसे यह ना कहना, मतलब उनसे ये मत कहना कि मैं दुखी हूँ, मैं व्यथित हूँ, मैं निराश हूँ, नहीं, उनसे ये मत कहना। उन्हें देते धीर रहना, उन्हें धैर्य बंधाते रहना, उन्हें धीरज बंधाते रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उनसे कहना कि मैं यहाँ पर लिखने का कार्य कर रहा हूँ, कि मैं यहाँ लिखने का कार्य कर रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, उन्हें कहना मैं यहाँ पढ़ने का कार्य कर रहा हूँ, उन्हें करना मैं यहाँ काम करता हूँ। कौन सा काम करता है? ये सूत काटने का काम कर रहे हैं, ये चरखा चलाते हैं, चरखा काट के सूत काटने का काम यहाँ कर रहे हैं। नाम करता हूँ कहना कि मैं उनका नाम रोशन कर रहा हूँ, ये उनसे कहना, लोग मेरा नाम चाहते हैं, लोग मुझे चाहते हैं, ऐसा उनसे कहना। और तुम्हें कुछ भी दुख करने की, शोक करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका बेटा जेल में रहकर भी नाम कमा रहा है, लिखाई कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है और आपके नाम को रोशन कर रहा है। इसलिए आपको पीड़ित होने की, दुखित होने की, व्यथा होने की, शोक करने की कोई भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका बेटा यहाँ जेल में रहकर भी वह सब कार्य कर रहा है जो वो अपने घर पर होकर करता है। इसलिए माता पिता को तुम धैर्य बताना है सावन, उनसे मेरे दुख होने का तुम जिक्र मत करना। और कहना मस्त हूं मैं, काटने में व्यस्त हूं मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कूदता हूँ खेलता हूँ दुख डट कर खेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यो ना कहना अस्त हूँ मैं। आप कवि ने यहाँ ये वर्णन करा, ये कहा है कि हे सावन, तुम उनसे कहना, मेरे माता पिता से कहना कि मैं यहाँ मस्त हूँ, आनंद में हूँ, काटने में व्यस्त हूँ कि मैं चरखा चरखे से सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा, कि अब तो मेरा वजन भी बढ़कर 70 किलो हो गया है। इतना सारा भोजन यहाँ खाने के लिए मिलता है कि मेरा वजन भी बढ़ गया है, 70 किलो मेरा वजन हो गया है। मैं कूदता हूँ, खेलता हूँ और दुख का डट कर सामना करता हूँ, यानी मैं यहाँ पर कैसी भी परिस्थिति में हूँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत मस्त रहता हूँ, सूत काटने में व्यस्त रहता हूँ, बहुत सारा भोजन करता हूँ जिससे मेरा वजन भी बढ़ गया है, और खेलता हूँ, कूदता हूँ, इसी आनंद में जो भी दुख आते हैं, जो भी कठिनाई आती है, उनका मैं डट कर सामना करता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, और उनसे कहना कि मैं एकदम मस्त हूँ, मुझे किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है, कोई चिंता नहीं है। यो ना कहना अस्त हूँ मैं, उनसे ये मत कहना कि मैं निराश हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पीड़ित हूँ, ये उनसे मत कहना। हाय रे, ऐसा ना कहना है कि जो वैसा ना कहना, कहना देना जागता हूँ मैं, आदमी से भागता हूँ, कहना देना मौन हूँ मैं, खुद ना समझूं कौन हूँ मैं। अब यहाँ पर कवि वर्णन कर रहा है कि हे सावन, तुम ऐसा मत कह देना, यानी मेरी जो परिस्थिति है, रियल में जो वास्तविकता है, वास्तविकता को तुम उन्हें मत बता देना, ये मत कह देना कि जैसा मैं यहाँ हूँ उस परिस्थिति का वर्णन तुम मत कर देना, ये मत कह देना कि मैं रातों को जागता हूँ, ये मत कह देना कि मैं आदमी से भागने लगा हूँ, इंसानों से भागने लगा हूँ, ये मत कह देना कि मैं चुप रहता हूँ, किसी से वार्तालाप नहीं करता हूँ, किसी से बोलता नहीं हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा वाचाल थे। और अब जब वो जेल के अंदर है तो वो रातों को जागते हैं, अकेले रहते हैं, किसी से वार्तालाप नहीं करते हैं, खुद ना समझूं कौन हूँ मैं, वो खुद अपने आप को भी नहीं समझ पा रहे, अपने आप से यहाँ कभी भाग रहा है। तो मेरी इस परिस्थिति का वर्णन तुम मेरे पिता, मेरे माता से, मेरे घर पर मत करना। हे सजीवे हरे सावन, है कि मेरे पुण्य पावन, तुम
बरस लो वे ना बरसे, पांच वे को वे ना तरसे। आका भी यहाँ कह रहा है कि हे सजीवे सावन, हे पुण्य पावन मेरे सावन, तुम चाहो जितना बरस लो लेकिन मेरे माता पिता की आंखों में आंसू मत देना, वो पांचवे को याद करके ना रोए, ऐसा उन्हें मत करना। अर्थात मेरी जो स्थिति है, मैं जो वर्तमान स्थिति देख रहा हूँ, जिन परिस्थितियों में हूँ, उन हालातों का आप उनको संदेश मत देना, क्योंकि यदि उन्हें मेरी हालात का, मेरी वास्तविकता का पता पड़ेगा तो वो दुखी होंगे, वो पीड़ित होंगे। तो हे सावन, तुमसे प्रार्थना है कि मेरे खुश होने का ही संदेश तुम उन्हें देना, ताकि वो ये सुनकर खुश हो, ये सुनकर दुखी ना हो कि उनका बेटा जेब की सलाखों के पीछे दुखी है। ऐसा कहकर तुम उन्हें पीड़ित मत करना। तो कैसी लगी आपको कविता, कैसा लगा आपको हमारा पाठ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए